वन मंडल अनूपपुर के कोतमा वन क्षेत्र के अंतर्गत वन बीट टांगी मलगा सेमरा और पौराधार क्षेत्र में 27 सितंबर की शाम से छत्तीसगढ़ की सीमा से आए 40 हाथियों के समूह द्वारा निरंतर 14 दिन से अपना डेरा जंगलों में जमाए हुए हैं, जो देर शाम होते ही जंगल के किनारे स्थित राजस्व ग्राम टांगी मलगा, पतेरा टोला, फुलवारी टोला, भड़मुड़ी, सैतिनचुआ, नगर परिषद डूमर कछार के बैगान टोला, पाव टोला एवं यादव मोहल्ला में ग्रामीणों एवं किसानों के द्वारा लगाए गए धान एवं अन्य तरह की फसलों का आहार बनाकर नुकसान कर रहे हैं। वहीं अनेकों ग्रामीणों के घरों की दीवारें, दरवाजा एवं बाउंड्री वॉल को तोड़कर घरों के अंदर रखे सामग्रियों को अपना आहार बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष आए सबसे बड़े हाथियों के समूह के आने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब तक हाथियों के समूह द्वारा सैकड़ों ग्रामीणों की फसलों तथा दर्जनों ग्रामीणों के मकानों की तोड़फोड़ की गई है। आमजन की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा निरंतर 14 दिनों से हाथी प्रभावित इलाके के आमजनों को, जो जंगलों के किनारे बसे हैं तथा हाथियों के विचरण क्षेत्र में आने की संभावना है, ऐसे गांव ग्राम पंचायत के बैगान टोला, नगर परिषद डूमर कछार के बैगान टोला, पाव मोहल्ला एवं यादव मोहल्ला के ग्रामीणों को प्रतिदिन गाँव से नगर परिषद एवं ग्राम पंचायत के भवनों में ठहरा कर उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। हाथियों के निरंतर विचरण के कारण ग्रामीणों में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। वहीं आवश्यक हाथियों के समूह द्वारा किसी भी तरह के जन घायल एवं जन हानि की घटना नहीं हुई है। हाथियों के समूह द्वारा किए जा रहे फसल हानि एवं अन्य तरह के नुकसान पर राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा नुकसानी का आकलन कर मुआवजा प्रकरण तैयार किया जा रहा है। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के कोतमा से किशोर सोनी की रिपोर्ट।